वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर। तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसरो के द्वारा रिसेंटली इसरो NRSC रिक्रूटमेंट 2024 में हुई थी, उसका रिजल्ट जारी किया गया है। जिस कैंडिडेट ने रिजल्ट नहीं देखा है, वो रिजल्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर ले। चलिए आइए इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। इसरो NRSC के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई थी, उसकी एग्ज़ाम हुई थी और उसका रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसरो NRSC टेक्नीशियन बी, इसकी जो पोस्ट थी टेक्नीशियन बी रिक्रूटमेंट 2024 का रिजल्ट आउट हो गया है। सभी छात्र अपने अपने रिजल्ट चेक कर लें। तो इसरो NRSC टेक्नीशियन बी की आंसर की जारी हो चुकी है। इसरो NRC की ओर से ITI पास कैंडिडेट के लिए लगभग 50 पोस्ट पर टेक्नीशियन बी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म दिसंबर 2024 में भराया गया था। और इसरो NRSC टेक्नीशियन बी का ऑनलाइन फॉर्म 31/12/2023 तक भराया गया था। और इसरो NRSC टेक्नीशियन बी का जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया था, जो 2/3/2024 को एग्ज़ाम आयोजित कराई गई थी, और जिसका आज आंसर की जारी किया गया है। और इसरो NRSC की आंसर की का जो PDF है, आप नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स की वैकेंसी है ये, और रिक्रूटमेंट टाइप है परमानेंट जॉब। टोटल पोस्ट है 53। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 9/12/2023। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31/12/2024। और एग्ज़ाम डेट है इसकी 2/3/2024 को इसकी एग्ज़ाम हुई थी रिटर्न एग्ज़ाम की। और आंसर की जारी की गई 7/3/2024 को, और रिज़ल्ट का डेट अनाउंसमेंट किया गया है 31/5/2024 को। तो ये डेट देख लेंगे। क्वालिफिकेशन ITI पास था। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें टेक्नीशियन बी की, तो 32 पोस्ट थी। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 32 पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल में 8 पोस्ट, टेक्नीशियन बी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 9 पोस्ट थी, और टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी में 2 पोस्ट थी, और टेक्नीशियन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई थी। रिज़ल्ट आप कैसे देखेंगे वो देख लीजिए। रिज़ल्ट के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पूरे रिज़ल्ट दिख जाएंगे। इसका PDF हम जारी कर देंगे, वहाँ से भी आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो इसरो NRSC टेक्नीशियन बी का स्किल टेस्ट की नोटिस भी डल चुकी है, आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर रिजल्ट विथ रोल नंबर्स एंड डेट एंड वेन्यू ऑफ द स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन ड्यू कोर्सेस। तो आपका इसके बाद जो है रिटर्न एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट होगा, ध्यान रखेंगे आपको कहाँ बुलाया जा रहा है। कैंडिडेट होल रोल नंबर्स आर नॉट अपियरिंग इन द लिस्ट आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाइड फॉर द स्किल टेस्ट। भाई जिसका नंबर नहीं होगा वो क्वालिफाई नहीं है, इतना तो आप समझते हैं। ये रही इसकी लिस्ट। तो डियर कैंडिडेट, रिजल्ट ऑफ द रिटर्न टेस्ट हेल्ड ऑन 2/3/2024 को, और ये 9/12/2023 के इसकी एग्ज़ाम हुई थी। यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर जिसका होगा वही कैंडिडेट लिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। तो ये रोल नंबर दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, और साफ शब्दों में लिखा है रिमार्क में शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। तो आप अपना रोल नंबर ज़रूर पूरा चेक कर लें। देख लीजिए यहाँ पर जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो हमें कमेंट करके बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो रोल नंबर ये पूरा लिखा नहीं है, रोल नंबर के लास्ट के जो डिजिट है, मतलब ये इतने डिजिट लिखे हुए हैं, इसको आप चेक कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो लिस्ट है देख लीजिए यहाँ पर, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर रिजल्ट विथ रोल नंबर्स, तो रोल नंबर के द्वारा ही आपको रिजल्ट चेक करना है। डेट एंड वेन्यू फॉर द स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन ड्यू कोर्सेस। फिर दिया है कैंडिडेट हो हुज रोल नंबर आर नॉट अपियरिंग इन द लिस्ट आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाइड फॉर द स्किल टेस्ट। भाई जिसका यहाँ पर रोल नंबर नहीं है तो आप समझ जाइए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट को आप चेक कर लें, जिसका रोल नंबर मैच होता है उसका सिलेक्शन हुआ है।
इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक में क्लिक करेंगे आपको पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।